साथियों, आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की तरफ से हजरा काजमी जी ने रिपोर्ट दी है, जो यूनियन की कोषाध्यक्ष हैं, कि आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो मानदेय है वो अब आंगनवाड़ी का 10,000 रुपये महीना होगा और सहायिका का 5,000 रुपये महीना होगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा ये की गई कि उनका रिटायरमेंट का उम्र जो है 62 वर्ष होगा। और तीसरी जो घोषणा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एकमुश्त 1 लाख रुपए और सहायिका को 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ में जो है एक और घोषणा की गई है कि अगर किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं, मगर मुख्य जो मांगे हैं वो ये हैं। संघर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये परिणाम निकला है। और इसमें जो पिछले कई वर्षों से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर थी और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से आंदोलन करके सरकार को ये घोषणा करने के लिए मजबूर किया, मगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि ये जो हमारी हकीकत में मांग थी उस मांग को सरकार ने अभी भी नहीं माना है। इसलिए जो सरकार ने दिया है उसको जेब में रखना है और आगे का संघर्ष हमारा शुरू रहेगा। आगे का जो उनका मुख्य मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, उसको कर्मचारी मानो, उसके साथ में न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपये महीना करो, उसके साथ में उसको ESI और PF के दायरे में लाओ। ये जो मुख्य मांगे हैं इस मांगों पे सरकार ने कोई विचार नहीं किया। इसीलिए सरकार ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया है, जो थोड़ी बहुत राहत दी है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। मगर जो असल सवाल है उस पे जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के तरफ से ये घोषणा की गई है कि ये आगे का आंदोलन हम अभी सारा ये जारी रहेगा। पक्का काम, कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पक्का काम, कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे आवाज दो, काम से टकराएगा। अब आज डाला है ऐसे ही रोटी खाके नहीं, भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा कोई फॉर्म नहीं